श्रीगंगानगर में लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव नहर से बरामद। होटल पर कार और मोबाइल छोड़कर निकल गया था। श्रीगंगानगर शहर से दो दिन से लापता एक प्रॉपर्टी डीलर की मुकलावा पुलिस थाना क्षेत्र में नहर से लाश बरामद हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक 34 वर्षीय गौरव सुखीजा 15G ब्लॉक में रहता था। वो जुगनू प्रॉपर्टी डीलर के नाम से प्रॉपर्टी का काम करता था। गौरव सुखीजा रविवार की रात को घर से कार लेकर निकल गया। इसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आया। उसके चाचा राजीव सुखीजा ने बताया कि वो दो दिन से गौरव की तलाश कर रहे थे। वो अक्सर बिना बताए दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता था। घर वालों ने सोचा कि एक दिन बाद आ जाएगा, पर वो वापस नहीं आया तो तलाश शुरू की। इसी दौरान पता चला कि वो हनुमानगढ़ रोड पर स्थित होटल यूडी ग्रैंड में गया था। यहाँ वो कार खड़ी करके निकल गया। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में होटल से निकलते दिखाई दे रहा है। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। गौरव मोबाइल भी होटल पर छोड़कर चला गया था। आशंका होने पर उन्होंने गंगनहर में उसकी तलाश शुरू की। सदर पुलिस थाने में गौरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस दौरान बीती रात पता चला कि मुकलावा पुलिस थाना क्षेत्र में 14 PS पुलिया में एक युवक की लाश फंसी हुई है। वो मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान गौरव सुखीजा के रूप में हुई। राजीव सुखीजा ने बताया कि मुकलावा पुलिस आज सुबह मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया। उन्होंने बताया कि गौरव सुखीजा ने कुछ दिन पहले ही 15G ब्लॉक स्थित जुगनू प्रॉपर्टी डीलर वाले ऑफिस में ही एक मैरिज ब्यूरो का काम शुरू किया था। गौरव सुखीजा ने आत्महत्या क्यों की इससे घर वाले भी अनजान हैं। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।